हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर आविष्कार किको और बाकी सबको अपनी लैब में बुलाते हैं और उन्हें लीसा मोना पेंटिंग की सिक्योरिटी के लिए जो लेजर बीम बनाई थी वह दिखाते हैं और उनका डेमो दिखाते हुए उन्हें बताते हैं कि ये पहली लेयरिंग में लेजर बीम में चाल है, अगर कोई इनको पार करने की कोशिश करते हुए इनसे टकराया तो उसका ये हाल होगा। अब दूसरा लेजर ग्रीन में लेजर बीम घूमता रहता है और तीसरा ऑशन सेंसर वाला लेजर बीम है जो कोई हलचल होते ही चालू हो जाता है। इधर मेयर अंकल अपनी पेंटिंग का ऑक्शन स्टार्ट करते हैं और लोग बोले लगाना स्टार्ट करते हैं और एल सिकिनो उस पेंटिंग को 10 लाख में खरीद कर ले जाता है और डॉक्टर आविष्कार वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसी पेंटिंग में लेजर बीम से बचने का जो क्यूआर है वह उसी पेंटिंग में छुपाया है। फिर सभी एल सिकिनो के घर जाते हैं और पेंटिंग मांगते हैं और उसे क्यूआर कोड ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उसमें क्यूआर कोड नहीं मिलता है और किको और बाकी सब क्यूआर कोड के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। सभी डॉक्टर आविष्कार अपने हाथ में लगा पेंट दिखाते हैं और किको को एल सिकिनो पर डाउट होता है। इधर एल सिकिनो पेंटिंग में क्यूआर कोड स्कैन कर लेता है और किको और फ्रेंड्स एल सिकिनो पर नजर रखने के लिए उसके घर के बाहर आ जाते हैं और एल सिकिनो बालकनी में बैठकर पेंटिंग करता रहता है और कोई पेंटिंग रखी गई है वहाँ लेजर बीम्स को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और इधर किको की टेंसर लाइट ब्लिंक करने लगती है और किको ट्विंकल और डोडो को वहीं पर छोड़कर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और R7 से सुपर स्पीडो को बुलाता है और वहाँ पहुँचता है और किको सुपर स्पीडो से लेजर बीम्स क्रॉस करने के लिए कहता है और सुपर स्पीडो लेजर बीम्स को क्रॉस करते हुए आगे जाता है, लेकिन एक लेजर बीम पड़ते ही सुपर स्पीडो का सिस्टम कट जाता है और सुपर स्पीडो ऑटो रिपेयर होने लगता है और किको चोर के पैरों के निशान को फॉलो करके आगे बढ़ता है। चोर बड़ी चालाकी से लेजर बीम क्रॉस करते हुए उनसे बचता हुआ आगे बढ़ता जाता है और किको भी उसका पीछा करते हुए उसके करीब आने लगता है और चोर आगे तीसरे लेजर बीम से भी जैसे तैसे बचता पेंटिंग तक पहुंच जाता है और किको उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से भाग जाता है। अपने घर आकर एल सिकिनो पेंटिंग को अलमीरा में रखकर मास्क हटाकर और अपनी कॉपी को हटाकर पेंटिंग करने बैठ जाता है। किको उसके घर आता है और एल सिकिनो से कहता है कि तुमने पेंटिंग क्यों चुराई और उसके शूज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ऐसे ही व्हाइट शूज चोर ने पहने थे और उसकी तेज चल रही हार्ट बीट को भी स्कैन करता है। तब डोडो कहता है कि हमने तो इस पर नजर रखी हुई थी। तभी सुपर स्पीडो एल सिकिनो की मैनिकिट को एक्सपोज करता है और सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 10 लगाकर उसके ऊपरी लिबास को भी हटा देता है और एल सिकिनो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है और एल सिकिनो किको को पंच मारकर पेंटिंग उठाकर वहां से भागने लगता है और किको सुपर स्पीडो में बैठकर उसका पीछा करता है और एल सिकिनो भागता जाता है और किको उसका रास्ता रोक लेता है तो वह पेंटिंग को खाई में फेंक देता है। तब सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 49 लगाता है और किको उस पेंटिंग को लाकर एल सिकिनो को अच्छे सबक सिखाता है और उसे मार मार कर वहीं ढेर कर देता है और जासूस झटपट आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे साथ आगे जुड़े रहें। थैंक यू।